हाय फ्रेंड, मैं हूँ अकील और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फाइबर जैसी फ्रीलांसिंग साइट से $5 5 मिनट के अंदर कमाया है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फाइबर एक फ्रीलांसिंग साइट है जहाँ पर फ्रीलांसर्स अपने सर्विस को सेल करके पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं भी फाइबर पर काम करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुए क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं जिसके वजह से काफ़ी कंपटीशन हो रहा था और न्यू सेलर्स को काफ़ी कम ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने लगते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है ऑर्डर्स लेने के लिए। तो मैंने ऐसे ही एक साइट ढूंढी है जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक सर्विस फाइंड किया है, बैकग्राउंड रिमूवल। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितने सर्विस इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, और जो भी टॉप रैंक में सर्विस होते हैं ज़्यादातर लोग उन्हीं को बाय करते हैं और उन्हीं को ऑर्डर करते हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे यहाँ रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज किया। तो अब हम आते हैं उस वेबसाइट पे जहाँ मुझे इस सर्विस पर ऑर्डर मिले हैं। तो दोस्तों, ये है एक skillearn.com जिस पर मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ और यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी एक फ्रीलांसिंग साइट है, जैसे कि आप फाइबर्स पर काम करते हैं सर्विस सेल करके, उसी तरह आप यहाँ भी अपना सर्विस सेल कर सकते हैं अपने अकाउंट को क्रिएट करके। सिंपली आपको आना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट लॉगिन का, तो यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मैं लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है और प्रोफाइल दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब मैं बाद में बताऊँगा एक स्पेशल वीडियो में, पहले हम जान लेते हैं कैसे मैंने इससे अर्न किए $5 इन 5 मिनट। तो सबसे पहले हम टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे मैंने 5 मिनट के अंदर $5 कमाए। तो अब से टाइम स्टार्ट करते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो टाइम को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने वेबसाइट पर। तो सिंपली हमको आ जाना है नोटिफिकेशन में। मुझे अभी जस्ट नोटिफिकेशन मिला था कि आपको एक ऑर्डर आया है। तो यहाँ देखिए, कोई एक ऑर्डर आया है दीपक कुमार के नाम से, और ये आया है आई विल क्रिएट कट आउट इमेज बैकग्राउंड रिमूव प्रोफेशनली ट्रांसपेरेंट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये आया है बैकग्राउंड रिमूविंग, जो मैंने एक सर्विस बनाई थी कुछ ही देर पहले, एक दो दिन पहले मैंने ये सर्विस बनाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या सर्विस बनाई थी। तो बस जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए मेरी सर्विस फर्स्ट पे रैंक कर रही है और यहाँ नाम भी मेरा लिखा हुआ है। तो इसे हम ओपन करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे आप इस तरह के काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ इमेज डाले हैं, ये होगी एक इमेज और यहाँ पे दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, ऐसे करके कुछ ट्रांसपेरेंट इमेज डाले हैं बैकग्राउंड रिमूविंग के। ये रहा मेरा टाइटल्स और ये यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, सभी चीज़ यहाँ पर हैं। ये है डिस्क्रिप्शन, फाइल फॉर्मेट, सभी चीज़ें। तो अब हम अपने सर्विस को कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे ऑर्डर वाले पेज पे जहाँ हमें ऑर्डर आए हैं। शायद मेरी बैटरी लो हो रही है, तो इसे हम चार्ज में लगा देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आ चुके हैं हम अपने ऑर्डर वाले पेज पर, और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या हमें ऑर्डर में मिला है फाइल। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको एक्सेप्ट और स्टार्ट करना पड़ता है,
और यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाय प्लीज़ रिमूव माई बाइक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। तो हो सकता है इनका कोई बाइक होगा और उनका ये बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें सिंपली स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे भी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइमर स्टार्ट, मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, 47 आवर्स 59 मिनट और ये सेकंड चल रहे हैं। तो हम फटाक से 5 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ आगे है मेरी फाइल भी, तो इसे हम ओपन करते हैं। डायरेक्ट इसको ओपन करना है आपको क्लिक करके, ये ओपन हो गया, और राइट क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। और सेव मुझे यहाँ फ्रीलांसिंग के फाइल में हम सेव कर लेते हैं। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें आ जाना है जहाँ से हमें इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप फोटोशॉप भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी काफ़ी फास्ट में बता रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आपको कोई भी टूल्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा प्रोफेशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे $5 मिल रहे हैं इस काम को करने के लिए, इसलिए मैं 5 से 10 मिनट के अंदर इस काम को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा इससे नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आते हैं, मैं एक वेबसाइट फाइंड करके रखा हुआ हूँ, जो भी इस तरह के काम करते हैं तो वो एक टूल्स की मदद लेते हैं। तो ये है removebg.com के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो हम आते हैं सिंपली रिमूव बैकग्राउंड में, और यहाँ आप अपलोड इमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम URL भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे URL आते हैं, और ये इस फाइल का URL हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर URL के सेक्शन में पेस्ट करते हैं, ओके मारते हैं। ये देखिए लोड हो सकता है या नहीं, नहीं तो फिर हम अपलोड कर देंगे। ये शायद लोड हो गई है, तो ये देखिए लोड करके हमें बैकग्राउंड रिमूव करके भी दे दिए। तो अब देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये बैकग्राउंड रिमूव इमेज है। तो हमें अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो हम आते हैं एडिट में, और यहाँ से हम इरेजर रिस्टोर पे आते हैं और ब्रश ले लेते हैं, और इस जगह हम सॉरी हम रिस्टोर करेंगे, इरेज नहीं करना है हमें, रिस्टोर करना है। तो इस जगह पे हम क्लिक कर देते हैं, और फिर कुछ ज़्यादा हो गया तो हमें इरेज भी अब करना है, हम इरेज भी ऐसे कर देंगे। और ये टूल्स लगभग सभी चीज़ काम आपको करके देता है, तो आपको ज़्यादा इस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया तो हम जूम आउट करते हैं, और फिर हम नीचे आते हैं और इसे हम सही कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट। और फिर अब बैकग्राउंड पर आ जाते हैं हम, और इस इमेज को अब डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड इमेज पर अब क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज, और ये हमारा इमेज डाउनलोड हो गया। तो अब हम इस इमेज को ओपन करते हैं, और ये देखिए हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ मैंने कुछ इमेज बनाए थे जिसको मैंने प्रीव्यू के लिए ऐड किया है उस सर्विस में, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इमेज रिमूव। अब आ जाते हैं हम अपने ऑर्डर के सेक्शन में। अब यहाँ से हम इसको कुछ मैसेज कर देते हैं, तो पहले ओके करते हैं, और फिर ये मैसेज सेंड होगा, ये मैसेज सेंड हो गया। अब लिख देते हैं योर ऑर्डर ऑर्डर इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड फिर से सेंड कर देते हैं, और अब हम डिलीवरी देंगे। तो ये हो गई
अब हम डिलीवर इसे करते हैं फाइल, तो डिलीवर पे आपको क्लिक करना है, अटैच फाइल करना है, और ये डाउनलोड में ये रहा हमारा फाइल, इसे ओपन कर लेते हैं हम, और यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। योर ऑर्डर इज परफेक्टली परफेक्टली डन, परफेक्ट योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, लिख देते हैं, डन हटा देते हैं, COMPLETE कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी सपोर्ट सपोर्ट या एनी होगा, एनी सपोर्ट प्लीज कॉन्टेक्ट में। और यहाँ पे लिख दिया है मैंने, योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी सपोर्ट प्लीज कॉन्टेक्ट मी, योर वेबसाइट बाइक रिमूव, योर इमेज इज नो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। तो ये हो गया, और लिख देते हैं इन सर्विस, इन फ्यूचर एनी सर्विस PLES प्लीज गिव मी ऑर्डर। तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब इस फाइल को हम सेंड करेंगे, तो ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेट स्लो है, तो इसे अपलोड होने देते हैं, और टाइम अब देख लेते हैं कितना टाइम समाप्त हो चुका है, ये नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो हमारा काम हो जाता अभी तक। तो हम सेंड करते हैं, देखते हैं इसमें कितना टाइम लेता है, और ये हो गया हमारा सक्सेसफुली सेंड। तो अब ये हमारा ऑर्डर सेंड हो चुका है, और सेंड होने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरा टाइमर्स भी रुक चुका है। यहाँ मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखे, फाइल अटैच, नो फाइल अटैच, ये अटैच नहीं हुआ फाइल, पता नहीं क्यों। तो हम फिर से इन्हें एक फाइल अटैच करके सेंड कर देते हैं इसके माध्यम से, नेट की वजह से फाइल अटैच नहीं हो पाया, नहीं तो ये सेंड हो जाता। हम फिर से इन्हें एक फाइल अटैच कर देते हैं और लिख देते हैं दिस इज योर फाइल ड्यू टू नेट कनेक्शन इज लो, द इमेज इज नॉट
अटैच ऑन डिलीवरी, डिलीवरी तो ये हो गया। और इसके बाद हम इसे सेंड कर देते हैं जिससे उनका फाइल उन्हें मिल जाएगा। तो एक बार चेक कर ले कि ये फाइल वही फाइल है या नहीं, तो हम इसे क्लिक करके प्रीव्यू ले लेंगे। तो ये फाइल बिल्कुल वही फाइल है जो हम लोगों ने रिमूव किया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी कर दिया है इन ऑर्डर को। और अब देखते हैं फीडबैक उनका कब तक आता है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया है कंप्लीट, और कुछ ही देर टाइम में हमारे पास हमारा पैसा भी आ जाएगा। जैसे ही उनका ऑर्डर्स उनको मिलता है और वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके रेटिंग्स देंगे, उनके बाद हमें हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्लीज रेट माई सर्विस विथ योर प्रोडक्ट, प्लीज रेट माई सर्विस अबाउट योर वर्क। तो ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हैं, उसके बाद ये सेंड कर दें ताकि वो पढ़ के आपके सर्विस को रेट दे दे, और उसके बाद आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा काम कंप्लीट 5 मिनट के अंदर। देखा कैसे हमने $5 इस इजी से टास्क के लिए कमा लिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। ऐसे ही टूल्स और टेक्निक को जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस ऐसे ही वेबसाइट से आप फिल्म जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।